small topic. It is called as displacement current. So let's see what is this displacement current. इसको देखते हैं. ये देखा गया, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, राइट? है ना, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अब तक पढ़ा है. और उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था. ओके, तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था, याद है आपको? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, या सिर्फ एम्पियर्स लॉ भी कहा जाता है, याद होगा आपको? एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड. बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. क्या ये आपको याद है? है ना, तो इसको एनक्लोज्ड करंट कहते थे हम. एनक्लोज्ड किसके अंदर? एनक्लोज्ड इस लूप के अंदर, जिस लूप की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं. दिस इज ओवर द लूप, ओवर एम्पेरियन लूप. जो भी एम्पेरियन लूप आपने कंसिडर किया है, उस एम्पेरियन लूप की यहां पर बात चल रही है. ठीक है, तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ था. ठीक है, लेकिन मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को दिया. ओके, सो देयर केम अ साइंटिस्ट, हिज नेम वाज मैक्सवेल. ठीक है, जेम्स मैक्सवेल. तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इसने क्या किया बेटे, कि इसने देखा कि इस एम्पियर्स लॉ में एक इनकंसिस्टेंसी है. ओके, सो ही फाउंड द इनकंसिस्टेंसी. इसमें इनकंसिस्टेंसी है इन एम्पियर्स लॉ. तो क्या इसका मतलब एम्पियर्स लॉ गलत है? एम्पियर्स लॉ गलत है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में एम्पियर्स लॉ फेल हो जाता है. ओके, एम्पियर्स लॉ कुछ कंडीशंस में फेल हो जाता है. ओके, और इसीलिए उसने एम्पियर्स लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करा दिया, और मॉडिफाई करके उसने अपना एक और टर्म इसमें जोड़ दिया. तो उसने कहा कि ये जो लॉ है, इस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ऐसा लिख सकते हैं. तो उसने कुछ इस तरह से लिखा, उसने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो होना चाहिए, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये पहला करंट, और उसके साथ साथ और एक टर्म इसमें जुड़नी चाहिए, म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाय डी टी. अब ये टर्म क्या है? तो उसने कहा कि जब हम इसमें से म्यू नॉट कॉमन ले लेंगे, जो ये जो करंट आप यहां पर आए, जो बताया आपने करंट, दिस करंट इज द करंट which is in the coil, है ना, ये करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है. इस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है. तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी तो एक करंट प्रोड्यूस होता है, जो ये करंट है. ओके, तो इसलिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू अनदर टाइप ऑफ करंट व्हिच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट. तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और ब्रैकेट के अंदर आएगा ये पहला करंट आई जो ओरिजिनल करंट है अपना वायर में, प्लस इसके साथ इप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी वाला एक करंट, जिसमें डी फाई बाई डी टी इज नॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यहां पर डी फाई ई मैं कह रहा हूं ई इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने के कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ, तो ये करंट तो है ही यहां पर, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलने के कारण, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी ना, तो उसके कारण जो आया करंट. सो दिस पर्टिकुलर टर्म इप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट. इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कंडक्शन करंट से काफी अलग है. ठीक है, तो इसलिए ये आई जो है आपका, इसको कंडक्शन करंट कहते हैं हम. ये है आपका कंडक्शन करंट, और इप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय डी टी, इसको फाई ई क्यों कहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट. इसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, इस तरह से. तो कंडक्शन करंट से बहुत अलग होता है ये डिस्प्लेसमेंट करंट. हमें बहुत ज्यादा डिटेल में यहां पर पढ़ना नहीं है, जो लोग एडवांस पढ़ेंगे तो उनके लिए ये मैं आगे जाके चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट ले लूंगा, तब जाके ये समझ में आने वाला है आपको. लेकिन बाकी लोग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ये टर्म याद रखना है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, बस इतना ही याद रखना है आपको. ओके, और ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण. ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. क्लियर?